केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। साथ साथ ये कौन सा पंचायत है? संझा श्यामपुर। कुल कितने वार्ड हैं यहाँ पर? 14 वार्ड। यहाँ क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? प्रमुख समस्या जैसे इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। स्वास्थ्य की क्या समस्या है? स्वास्थ्य की समस्या ये है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर और नर्स वगैरह यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है। कारण ये है कि जगह उपलब्ध नहीं है, यानी कि भवन का अभाव है। भवन का अभाव जिसके कारण यहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं हो नहीं हो पाता। यहाँ शिक्षा की क्या समस्या है? शिक्षा की यहाँ तक बात है, प्राइमरी स्कूल तो यहाँ है, लेकिन हाई स्कूल अगल बगल में नहीं, जिसके चलते बच्चों को या तो सिंघान जाना पड़ता है या तो 13 माइल के गांव में अंदर घुस करके जाना पड़ता है। यहाँ पर खेल कूद की भी क्या समस्या है? खेल कूद का कोई मैदान नहीं है। बड़ा मैदान एक होना चाहिए जिससे कि खेलकूद नहीं हो पा रहा है। मैदान के अभाव में जो है बेहतर खेलकूद जो है युवकों को नहीं हो पा नहीं हो पाता। अगर जनता आपको चयनित करती है तो आप सबसे पहले किन किन समस्याओं को लेंगे? सबसे पहले हम किसान का समस्या लेंगे। पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जैसे कि अभी हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लोगों को उचित दाम पर, सरकारी दाम पर खाद उपलब्ध करा रहे हैं, कराते आ रहे हैं पहले से भी और अभी भी करा रहे हैं। उसी प्रकार से किसानों का समस्या सबसे पहला समस्या है। उसके बाद पढ़ाई का समस्या है, जो कि कुछ हमारे पास जो फंड नहीं रहेंगे तो एमपी एमएलए से मिल करके उस फंड को उपलब्ध कराएंगे और अपने पंचायत में हाई स्कूल का भी निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य वगैरह का भी आपने बताया था कि समस्या है, उस पर आप क्या करेंगे? उसका समस्या ये है कि स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा और उसमें जैसे डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स वगैरह का भी व्यवस्था सरकार की योजना के तहत कराया जाएगा। अच्छा, कोविड का ये पिछले वर्ष जो है बहुत दर्दनाक घटना रहा है, कोरोना में बहुत से लोगों का मौत भी हुआ, क्या आपके पंचायत में भी कोई ऐसी समस्या रही? समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है कि कोई मर गया, ऐसा कोई समस्या नहीं है, मृत्यु किसी का नहीं हुआ था। सरकार की जो योजना चली उसमें बेहद जनता को लाभ मिला और वैक्सीनेशन वगैरह भी कराया गया। हम लोग भी जागरूक किए समाज को, जनता को, कि सही समय पे अपना इंजेक्शन वगैरह ले लें, जिससे कि आगे समस्या नहीं आए। मैं अपने देशवासियों को, राज्य के वासियों को, अपने पंचायत के वासियों को 15 अगस्त के 75वें वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।